लाती हुई चीजों में क्यों आदमी सोच रहा है। विचारों को जितना हायर आप करोगे, जितने ऊंचे ऊंचे विचार पढ़ोगे, जितने दार्शनिक ग्रंथों का अध्ययन करोगे, उतने विचारों में परिपक्वता आए। कभी भी अंतर्द्वंद से मनुष्य अपने अंतर्द्वंद से टकरा रहा है, क्योंकि उसके पास विचार ही नहीं है। मैक्सिम विचार दूसरे से लिया है, उसने बोल दिया भाई क्लिनिक चलाओगे नहीं चल पाएगी, बस उसी विचार के साथ हमने ऐसा सोच लिया कि नहीं चलेगी। ये अंतर्द्वंदता क्या है? क्योंकि आप दूसरे के विचार से केवल प्रभावित हो रहे हैं, और वो विचार उतने ही है जितना उसको ज्ञान है। ये सच है, उसकी कोई गलती नहीं, क्योंकि उसको उतना ज्ञान ही है। पर ये मत सोचो, क्योंकि ज्ञान उससे बहुत ऊपर है। अपने आप मजबूत से मजबूत हो, कहते हैं लिटरेचर का अध्ययन करके ऊपर चढ़िए। निगेटिविटी तो होनी नहीं चाहिए जीवन में। इतनी सकारात्मकता, इतनी मजबूत शैली के साथ काम करो। जो कहता है कि फेल हो उनको साइड करो, पर यही हिंदुस्तान गवाह है। कलकत्ता से लेकर के आप कहीं से ले लो, कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से असम तक, आप देखोगे यहाँ पर ऐसे ऐसे जीनियस हमें पैदा हुए जो आज भी इतिहास वहाँ की मिट्टी से खुशबू आ रही। आप कभी केरला जाके देखो, कोट्टयम में डॉक्टर रमन लाल पटेल जैसा डॉक्टर था, वो खुशबू। आप बंगाल में घुसे गिनते रहोगे, पी सी मजुमदार, जे एन कांदीलाल, डॉक्टर बी के बोस, डॉक्टर एस के दुबे, डॉक्टर एन एम चौधरी, डॉक्टर भोलानाथ चक्रवर्ती, ये ऐसे थे जहाँ आप सोच नहीं सकते हो। उनके दिमाग में तो सब ये पानी की तरह चलता था। और यहाँ पर ठूस रहा अंतर्द्वंद हो रहा है कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और इसी में सारी पीढ़ी जा रही है। थोड़ा जब कोई करता, और यदि ऐसा होता कि नहीं सर है ही नहीं, तो नहीं था यदि, तो फिर तेरे लोगों ने सर्वाइव कैसे किया, यहाँ तक पहुँची कैसे? और फैक्ट है, फिक्स है, साइंटिफिक है, रेशनल है, होलिस्टिक है, सब कुछ है, किसी चीज़ में कोई कमी नहीं है। पेशेंट बनाओ।